नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और बड़ी अपडेट के साथ में। तो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है वह 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको जो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम के अंदर, क्या आपको ड्रेस कोड आपको पहन कर जाना है और अपने साथ में क्या लेकर जाना है, इसके साथ ही जो आपका एग्ज़ाम है इस बार थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो भी जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहा है वहाँ तक ये वीडियो है पहुँच सके। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। तो आपको बता दें क्या क्या निर्देश है जो बताए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोरोना गाइडलाइन वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। बिना मास्क के अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र एवं चुनाव आयोग द्वारा मान्यता फोटो युक्त पैन कार्ड या पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या किसी भी प्रकार की आपको कुछ भी आइडेंटिटी है तो आप वो साथ लेकर जाना है। इसके साथ ही आपको जो 6 महीने के आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी एक साथ लेकर जानी है। इसके साथ ही ओमार के निर्धारित प्रविष्टियों को भरने और उत्तर को गोला करने के लिए आपको नीले व काली स्याही के पारदर्शी दो जो बॉल पेन है वो ले जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो है किसी अन्य प्रकार के पेन, पेंसिल या पट्टिका, बुक्स आदि लाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ब्लूटूथ, अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लालटी, जेवरात, पर्स, हेडफोन, डायरी, वेशभूषा, ये सब कुछ जो है वहाँ पर बैन किया गया है। इसके साथ ही आप ड्रेस कोड दे सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या पहन कर जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ और दिशा निर्देश बताए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये 10 से 12 दिशा निर्देश हैं जिसमें बताए गए हैं। तो सभी दिशा निर्देश आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे दिशा निर्देश इनको पढ़ लें और फिर ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पर प्रवेश दिया जाएगा, वरना आपके साथ जो एक है बड़ी परेशानी हो सकती है। तो प्लीज़ इस बातों का ध्यान रखें। आप देख सकते हैं उत्तर पत्रिका को भरने के निर्देश, प्रत्येक प्रश्न का एक ही सही उत्तर है, कई बार उत्तर को अंकित करने के पश्चात बदला नहीं जा सकता, परीक्षा में गलत उत्तर देने के ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है, वर्ताकार आकृति पूर्ण रूप से भरी जानी चाहिए, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी यदि आप एक से ज़्यादा जो गोले हैं वो भर देते हैं तो आपका उत्तर है गलत माना जाएगा और आपको सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है, तभी आपको इस बार आपकी जो बायोमेट्रिक है अटेंडेंस होगी उसके बाद ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो मास्क ज़रूर लगा कर जाएँ और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।